यस मैम। ओके बेटे, ओके। यस बेटे, सो टुडे वी आर डूइंग दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सी इन सेक्शन वन अप टू लास्ट ईयर वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड फाइव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर. सो नाउ दीज क्वेश्चंस आर स्टिल इन द फॉर्म ऑफ असर्शन रीजनिंग और पैराग्राफ. सो वी हैव टू डिस्कस दिस. सी द क्वेश्चन नंबर वन. Which one of the following part of the plant, when put into the soil, is likely to produce a new offspring? ठीक है, फिर से सुनेंगे. प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको सॉइल के अंदर अगर हम डालते हैं तो उससे न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं. एंड द ऑप्शन आर पार्ट ऑफ एन इंटरनोड, अ स्टेम कटिंग विद अ नोड, पार्ट ऑफ ए प्राइमरी रूट, अ फ्लावर. यस बेटे, दिस इज रिलेटेड विद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से रिलेटेड आई है. तो ध्यान से सोच समझ के जवाब देंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट व्हेन पुट इट ऑन द सॉइल इज लाइकली टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग, पार्ट ऑफ एन इंटरनोड, अ स्टेम कटिंग विद अ नोड, पार्ट ऑफ ए प्राइमरी रूट और अ फ्लावर. यस बेटे, व्हाट इज योर आंसर? स्टेम कटिंग विद द नोड. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. यस बेटे, स्टेम कटिंग्स जो है उसको हम रोज में शुगर केन के अंदर हम यूज करते हैं, बैम्बू कटिंग्स पे हम यूज करते हैं फॉर बैम्बू प्लांट्स के लिए. ठीक है, तो योर आंसर शुड बी अ स्टेम कटिंग विद अ नोड. ठीक, आई विल ऑल्सो सेंड यू द रिकॉर्डिंग एंड द सॉल्यूशंस इन द ग्रुप टू, बट यू मस्ट हैव टू फॉलो द क्वेश्चंस वेरी सीरियसली. सी क्वेश्चन नंबर टू. इन अ बैक्टीरियम व्हेन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रमोटर ऑन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इट. ठीक है, फिर से सुनेंगे. किसी भी बैक्टीरियम के अंदर जब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर के साथ बाइंड करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, तो वो क्या करता है? ठीक है, ध्यान से सुनिए. इट टर्मिनेट्स द प्रोसेस, इट हेल्प्स रिमूव एंट्रॉन्स, इट इनिशिएट्स द प्रोसेस और इट इनएक्टिवेट्स द एक्सॉन्स. यस बेटे, व्हाट इज द आंसर? सी पार्ट, इनिशिएट्स द प्रोसेस. यस, वेरी गुड. द आंसर इज सी पार्ट, दैट इज इनिशिएट द प्रोसेस. सो आपने लिखना है कि जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड करेगा तो वो हमेशा ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करेगा. ओके, दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री इज फ्रॉम एवोल्यूशन चैप्टर. सो वी नीड नॉट टू डू इट. ठीक, यू हैव नॉट रेड दिस चैप्टर. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर जो है, दैट इज फ्रॉम स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, दैट यू विल आल्सो नॉट हैव टू डू. तो ये भी छोड़ देंगे आप. उसके बाद उसके साथ ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन, ये हमने किया हुआ है. लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू. ठीक है, स्विस चीज में लार्ज होल्स किसकी वजह से होते हैं? प्रोपाइनोबैक्टीरियम शार्मानी, सैक्रोमाइसिस सेरिफेई, पेनिसिलियम क्रिसैनोजन, एसिटोबैक्टर एसिटाई. हाँ जी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी पार्ट. यस बेटे, मैत्री कौन सा? बी पार्ट. डी या बी? डी बी, सेकंड बी. नो बेटे, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. फिर से सोचिए. ए पार्ट. ए पार्ट मैम, ए पार्ट. यस बेटे, वेरी गुड. इट इज प्रोपाइनी बैक्टीरियम शार्मन. ठीक है, तो स्विस चीज के अंदर लार्ज होल्स जो है वो प्रोपाइनी बैक्टीरियम शार्माने की वजह से होते हैं. उसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट. ठीक है, ये हमने जो चैप्टर एनवायरमेंटल वाला किया था उसमें से है. चलो आपने पढ़ा हुआ है तो इसलिए ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं. इंक्रीज्ड कंसेंट्रेशन ऑफ डीडीटी इन अ फिश ईटिंग बर्ड्स इज ड्यू टू. डीडीटी की कंसेंट्रेशन, बढ़ती हुई कंसेंट्रेशन जो फिश ईटिंग बर्ड्स के अंदर सबसे ज्यादा हो गई थी वो कौन से प्रोसेस की वजह से थी? यूट्रोफिफिकेशन, कल्चरल यूट्रोफिफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन एंड एक्सिलरेटेड यूट्रोफिफिकेशन. यस बेटे, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फिश ईटिंग बर्ड जो है वो फूड चेन के अंदर, एक्वेटिक फूड चेन में फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट है. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा?
No idea. So the correct answer is biomagnification. Yes, it is biomagnification. क्योंकि उसमें आपको बताया था कि some of the harmful substances they will not decompose during the metabolic reaction and they get accumulated in each trophic level and their concentration they rises in the highest trophic level. So answer is biomagnification. So all of these questions they are of one marks. ठीक है, 1 mark question है. उसके बाद देखिए एक question और आपको यहाँ पे. अभी हमने जो चैप्टर किया है बायोडाइवर्सिटी, उसमें से लिया गया है स्पेशियस एरिया रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ लॉग स्केल एज हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लीनियर एंड इनवर्टेड. कहता है कि स्पेशियस एरिया रिलेशनशिप जो है उसको लॉग स्केल पे रिप्रेजेंट किया गया है किस फॉर्म में. हाँ जी, ये वही वाला क्वेश्चन है जो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट वाला मैंने आपको बताया था. मैम बी पार्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. यस, इट इज द बी पार्ट दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. साइंटिस्ट अलेक्जेंडर हम्बोल्ट जो उन्होंने ये बोला था कि स्पीशीज की रिचनेस जो है इट इंक्रीजेस अलोंग विद द एक्सप्लोर्ड एरिया एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, ही हैज ऑल्सो गिवन वन इक्वेशन दैट यू आर सपोज टू लर्न. नाउ आई एम ऑन द 2 mark क्वेश्चन. ठीक है, सेक्शन बी के अंदर तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ ए एपोमिसेटिक सीड टू अ फार्मर. ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 में से लिया गया क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो आपको 2 एडवांटेजेस बताने हैं कि एपोमिसेटिक सीड्स की फार्मर को क्या होंगी. यस बेटे, फर्स्ट एडवांटेज क्या हो सकती है फार्मर के लिए, अगर हम सीड्स को ही एपोमिसेटिक सीड बना दें तो फार्मर को क्या फायदा होगा उससे. इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स. यस, वेरी गुड. ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि जो भी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर कॉस्ट लगती है, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है जिससे हम हाइब्रिड सीड बनाते हैं, वो कॉस्ट जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी. एंड व्हाट इज द सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन ओके बेटे, आई हैव वन सैंपल पेपर्स विद मी एंड इट इज रिटन इन दिस सैंपल पेपर दैट डिजायर्ड ट्रेट्स कैन बी मेंटेन्ड विदाउट लूजिंग सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड्स ओवर पेरेंट्स. तो फार्मर्स कैन रीप्लांट दीज सीड्स ईयर आफ्टर ईयर. ठीक है, तो कहते हैं कि इसके अंदर जो डिजायर्ड ट्रेट्स हैं वो इसके अंदर मेंटेन रहते हैं. ठीक है, और ईयर आफ्टर ईयर जो है इन सीड्स को फार्मर्स जो है वो यूज कर सकते हैं. तो दीज आर द 2 एडवांटेजेस. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. एक्सप्लेन व्हेन इज अ जेनेटिक कोड सेट टू बी. ठीक है, कब हम एक जेनेटिक कोड जो है उसको कहेंगे ए पार्ट डीजनरेट. हाँ जी, एक जेनेटिक कोड को डीजनरेट क्यों कहा जाता है बताइए. व्हेन अ सिंगल अमीनो एसिड मे बी कोडेड फॉर मोर देन वन कोडॉन. यस बेटे, क्योंकि कोडॉन्स का नंबर ज्यादा है तो उस केस में वो कहते हैं कि व्हेन 2 or more कोडॉन्स दे स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स देन वी कैन से दैट द जेनेटिक कोड इज अ डीजनरेट वन. ठीक है, सेकंड वन इज व्हेन यू कॉल अ जेनेटिक कोड अ यूनिवर्सल. देखो उसमें उसने आपको बताया था कि जेनेटिक कोड इज सेट टू बी यूनिवर्सल व्हेन इट्स coded information specifying the same amino acid across different species. तो कहता है कि चाहे आप बैक्टीरिया से लेकर humans तक आप आ जाएं, ठीक है, from the primitive organisms से लेकर if you comes on the human, तो उस केस में भी वो कहते हैं कि जो codon है वो same amino acid जो है उसी को code करता है, वो vary नहीं करता. So that's why we called a genetic code as universal. Now see question number 8. Differentiate between opioid and cannabinoid drugs on the basis of their. ठीक है, हमें opioid और cannabinoid drugs जो है उनको differentiate करने किन basis पे. A part specific receptor site in human body. आपने ये बताना है कि human body के अंदर उनके specific receptor site कौन सी है. And दूसरा आपने बताना है mode of action in the human body कि how these drugs they do action in the human body. ठीक है, सोच समझ के जवाब देंगे. तो देखो व्हाट इज द सॉल्यूशन दैट इज गिवन हियर इन माय बुक. तो यू हैव टू मेक वन टेबल
हाउस पे एक साइड पे आप ओपियोइड ड्रग्स लिख लेंगे, एक साइड पे कैनोबियोइड्स लिख लेंगे, एंड जो भी आपको टू हार्डिंग्स के अकॉर्डिंग पूछा गया वो आप एक साइड पे लिख लीजिए. तो स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट इन ह्यूमन बॉडी, दिस इज द फर्स्ट हार्डिंग, एंड सेकेंड वन इज मोड ऑफ एक्शन इन ह्यूमन बॉडी. तो फर्स्ट मेरा जो कॉलम है दैट इज फॉर ओपियोइड एंड सेकेंड वन इज फॉर कैनोबियोइड. तो देखिये स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट इन ह्यूमन बॉडी इन केस ऑफ ओपियोइड ड्रग्स, तो ओपियोइड ड्रग्स के लिए कहते हैं कि रिसेप्टर्स ऑफ द ओपियोइड्स आर लोकेटेड इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक. ठीक है, ओपियोइड के रिसेप्टर जो है कहाँ प्रेजेंट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट है एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है. तो दो जगह पे यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, एक तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे और दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. और कैनोबियोइड के केस में कहाँ पे प्रेजेंट है, तो रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द ब्रेन ओनली. ठीक है, कैनोबियोइड्स के रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है, जबकि ओपियोइड जो है उसके रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट है. उसके बाद देखिए सेकेंड आपसे पूछा गया मोड ऑफ एक्शन इन ह्यूमन बॉडी. तो मोड ऑफ एक्शन ओपियोइड कैसे एक्शन शो करते हैं, ठीक बेटे, उसके ओपियोइड के एक्शन उन्होंने बताया हुआ है कि इट एक्ट एज अ डिप्रेसेंट, डिप्रेशन की फीलिंग हो जाती है इसकी वजह से एंड स्लोस डाउन द बॉडी फंक्शंस, बॉडी के फंक्शन जो है उसको स्लो डाउन कर देता है. तो दिस इज फॉर ओपियोइड, इट एक्ट एज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन. एंड व्हाट अबाउट कैनोबियोइड्स, तो कैनोबियोइड्स जो ड्रग्स हैं वो कैसे काम करती हैं, तो इट अफेक्ट्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. ठीक है, आपका जो हार्ट है उसकी फंक्शनिंग जो है उसको ये अफेक्ट करते हैं, तो इट अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. तो दोनों जो है डिफर करते हैं, वन इज एन डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, अनदर अफेक्ट्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज अगेन क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव डन, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 9. नेम द टू टेक्निक्स एम्प्लॉयड टू मीट द, ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा स्ट्रेटजीज ऑफ फूड एनहांसमेंट में से है, तो यू हैव नॉट रेड दिस चैप्टर, तो वो हम नहीं करेंगे. ठीक बेटे, तो उसमें फिश जो है उसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, उससे रिलेटेड टू टेक्निक्स के बारे में बताया हुआ है. तो उसका अगर हमने आंसर देना होता तो पिस्सी कल्चर एंड एक्वा कल्चर होना था, और टू फ्रेश वाटर फिशेज के अगर हमने नेम बताने होते तो उसमें हम लैबुआ एंड काटला काटला फिशेस के नेम देते. ठीक, उसके बाद देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, सोचिए ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से रिलेटेड है. हाँ जी, कौन से चैप्टर में से लिया गया है ये क्वेश्चन, जैसे सुनेंगे. डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. अगर आपको याद आ रहा हो तो ये चैप्टर जो हमने किया था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, जिसमें हमने एंटीबायोटिक्स वाला टॉपिक जब किया था तो उसके अंदर आपको बताया गया था कि एंटीबायोटिक्स वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंड दैट इज किसकी कौन सी फंगस जो है उस पर उन्होंने स्टडी किया था, पेनिसिलियम नोटेटम वॉज द फंगस एंड ही आइसोलेट पेनिसिलिन फ्रॉम इट. ठीक है, एंड देयर इज वन हिस्टोरिकल अकाउंट गिवन इन द बुक दैट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल वर्किंग ऑन द बैक्टीरियम. ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरियम, द नेम ऑफ द बैक्टीरियम इज स्टेफाइलोकोकाई. तो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम करे थे, व्हाट ही ऑब्जर्व द मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर. ठीक है, उनकी जो अनवॉश्ड कल्चरल प्लेट्स थी उनपे एक मोल्ड जो है वो ग्रो कर रही थी अराउंड द स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरियम, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरियम के आसपास, और उसकी वजह से वो कहते हैं कि स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरियम कुड नॉट ग्रो, वो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रही थी. तो ही फाउंड दैट it was due to a chemical produced by the mold and he named it as penicillin. उन्होंने कहा कि ये mold एक chemical produce करती है जिसका नाम क्या है, penicillin है, और इस mold का name क्या है, penicillium notatum है. और later on Ernst Chain and Howard Florey जो है they made its full potential effective antibiotic. इन दोनों ने जो है ये बताया कि ये chemical जो है it is not an ordinary chemical but it has a full potential of an effective antibiotic. So antibiotics aise drugs hote hain which are isolated from microorganism to inhibit the growth of other microorganism. To ye unka contribution hai.
ठीक है, कोई स्टूडेंट सोच भी नहीं सकता कि हिस्टोरिकल अकाउंट में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो दिस शोज दैट यू मस्ट हैव टू टेक द थॉरो रीडिंग ऑफ द चैप्टर एंड सी द क्वेश्चन नंबर 10. ऑल क्लोनिंग वेक्टर्स डू हैव अ सेलेक्टेबल मार्कर, डिस्क्राइब इट्स रोल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, कहते हैं कि सारे ही जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं उनके सेलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं वो कौन चाहिए, बताइए कि सेलेक्टेबल मार्कर जो है उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर क्या रोल है. हाँ जी, सेलेक्टेबल मार्कर्स आर एसेंशियल टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टेडली परमिटिंग द ग्रोथ फॉर ट्रांसफॉर्मेंट. यस बेटे, ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर्स जो है उनका स्पेसिफिक रोल यही है कि दे आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश द बैक्टीरियल सेल्स दैट हैव टेकन अप द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. ठीक है, जो भी आपने एलियन डीएनए जो है जिसको आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं किसी वेक्टर के जरिए, जो कि एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, किन सेल्स के अंदर, किन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और किन बैक्टीरियल सेल्स में उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो उसको जो है फाइंड आउट करने की एक टेक्निक है जिसको सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं. तो इट इज वेरी बेनिफिशियल इन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स. एंड यू ऑल्सो नो द टेक्निक, ठीक है, दोनों टेक्निक्स आपको अच्छे से पता है. तो वो आपने यहाँ पे जो है सिर्फ एक लाइन में उनके नेम आप लिख देंगे, आप उनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे. उसके बाद देखिए सिर्फ 2 मार्क क्वेश्चन है, तो नो नीड ऑफ एक्सप्लेनिंग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एंड ऑल दैट. वो जो प्लेटिंग वाला था वो सारा नहीं एक्सप्लेन करना, सिर्फ नाम दे दीजिए एक लाइन में. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मेंशन हाउ प्लांट्स डेवलप मैकेनिकल एंड केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स टू प्रिवेंट टू प्रोटेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल ऑफ ईच. ठीक है, ये क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में से. ठीक बेटे, उसके अंदर पहला ही हमारा टॉपिक जो था प्लांट्स का, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि प्लांट्स जो है वो हर्बी बोर्ड्स जो है उनसे अपने आप को कैसे बचाते हैं. ठीक, बिकॉज प्लांट्स आर इमोबाइल, तो अपने हैबिटेट में ही रहते हैं, तो हाउ दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हर्बी बोर्ड्स विच आर एक्चुअली देयर प्रीडेटर्स. तो यू हैव टू गिव वन एग्जाम्पल विच इज रिलेटेड विद द मैकेनिकल मेथड दैट आर अडॉप्टेड बाय द प्लांट्स एंड वन एग्जाम्पल जो कि केमिकल मेथड से रिलेटेड है कि कौन से केमिकल प्लांट से क्रिएट करते हैं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. हाँ जी, यस बेटे, मैकेनिकल के अंदर आप कोई भी ऐसे बताएंगे जैसे किसी प्लांट में थॉर्न्स डेवलप हो रखे हैं या फिर उसके अंदर स्पाइंस हैं, लीव्स हैं, तो उससे रिलेटेड ना उन्होंने बार्क एंड वैक्सी क्यूटिकल. यस बेटे, स्पीक अप अगेन. मैम बार्क एंड वैक्सी क्यूटिकल थॉर्न्स, यस, एंड हार्ड सेल्स, यस. ठीक है, यू हैव ऑल्सो हैव टू मेंशन कि वो थॉर्न्स किस में प्रेजेंट है. तो अगर आप इसका सही तरीके से आंसर लिखते तो यू हैव टू राइट द फर्स्ट पॉइंट इन केस ऑफ अपुंशिया, दैट इज एक्चुअली द कैक्टस प्लांट. ठीक है, तो कैक्टस प्लांट्स या अपुंशिया में व्हाट इज द स्पेशल मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ शार्प स्पाइंस और थॉर्न्स आर देयर एंड दिस डिटर हर्बीवोर्स फ्रॉम फीडिंग ऑन देम. इसकी वजह से हर्बीवोर्स जो है उनके लीव्स को फीड नहीं कर पाते हैं. ठीक, लीव्स तो क्या कहेंगे वो उसका स्टेम ही होता है एक तरीके से. एंड सेकंड इज शार्प थॉर्न्स अलोंग विद द लीव्स आर प्रेजेंट इन एकेशिया. एकेशिया का जो प्लांट है उसमें लीव्स के साथ साथ थॉर्न प्रेजेंट है एंड दिस डिटर द हर्बीवोर्स, दे डू नॉट अलाउ द हर्बीवोर्स टू फीड ऑन देम. एंड सेकंड वन मोर एग्जांपल फ्रॉम दिस इज इन सम प्लांट्स द मार्जिन ऑफ द लीव्स आर स्पाइनी. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स के जो मार्जिन हैं वो स्पाइनी होते हैं एंड हैव शार्प एजेस दैट प्रिवेंट द हर्बीवोर्स फ्रॉम फीडिंग ऑन देम. ठीक है, और उनकी एज जो है वो काफी शार्प होती है लीव्स की, तो इसलिए हर्बीवोर्स जो है दे कैन नॉट फीड ऑन देम. और अगर हमने केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जाम्पल देना है देन यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ कैलोट्रॉपिक्स. ठीक है, ऑल पार्ट ऑफ द कैलोट्रॉपिक्स दे कंटेन अ टॉक्सिक ग्लाइकोसाइड. And this toxic glycoside, which can be proved to be fatal if ingested by the herbivores. तो आपको बताया था कि कोई भी cows, buffaloes जो हैं, वो calotropis जो हैं, उसके ऊपर, उसके leaves पे या उसके किसी भी part पे feed नहीं करती हैं, because once they consume the leaves or anything else, these toxic glycosides, they keep the animal kill and finally the animal die. And second आप example दे देंगे कि इस chemical substances such as nicotine, caffeine, quinine, opium
These are produced in the plant as a part of self-defense. ठीक है, कुछ plants जो हैं उनमें से nicotine जो है वो release होता है, caffeine release होता है coffee के leaves में से, opium poppy plant में से release होता है, quinine जो है cinchona tree में से release होती है. तो ये सारे जो हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए ही प्रोड्यूस होते हैं, इन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं. ठीक, इस तरह से दो हेडिंग्स में आप इसका आंसर देंगे. उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेसेस अर्थवॉर्म एंड बैक्टीरिया कैरी ऑन डेट्राइटस. ठीक बेटे, ये वाला क्वेश्चन जो है वो इकोसिस्टम वाले चैप्टर में से हमने लिया हुआ है. तो उसके अंदर जो है उसके मेथड बताए हुए हैं. डिट्राइटस का मतलब होता है जो ड्राइड लीव्स होते हैं जो फ्लोर फॉरेस्ट फ्लोर पे गिर जाते हैं. इसके अलावा जो है कुछ वेस्ट मटेरियल जो प्लांट्स का है उसको डिट्राइटस में कंसीडर करते हैं. तो यू हैव नॉट रेड दैट चैप्टर सो यू आर नॉट सपोज टू राइट इट. ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेंगे. ये हमने किया हुआ है एक्सप्लेन थ्री डिफरेंट मोड्स ऑफ पॉलिनेशन दैट कैन अकर इन चेस्मोगैमस फ्लावर्स. ठीक है, सेक्शन थ्री है ये, तो इसलिए ये 3 मार्क क्वेश्चन है. तो 3 ऐसे मोड्स बताने हैं आपने पॉलिनेशन के जो कि एक चेस्मोगैमस फ्लावर के अंदर हो सकते हैं. ठीक बेटे, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चेस्मोगैमस फ्लावर कौन से होते हैं. हाँ जी, देखिए फ्लावर 2 टाइप के हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंड चेस्मोगैमस फ्लावर. ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कौन से हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर कौन से हैं? Yes, any idea? Ma'am, chesmogamous flowers are those which are similar to the flowers of other species. Yes, very good. उनके anther जो होते हैं वो exposed anther होते हैं. ठीक बेटे, environment के अंदर anther और stigma जो है वो environment के contact में आते हैं. तो इसीलिए all the three, देखो simple सा ही question है, उसने आपसे types of pollination पूछा है पर indirect तरीके से पूछा है आपसे. अगर फ्लावर चेस्मोगैमस है तो इसका मतलब ऑल टाइप ऑफ पॉलिनेशन दे जनरली टेक्स प्लेस इन दिस फ्लावर. तो दिस मे बी ऑटोगैमी एंड इट मे बी जेटिनोगैमी और इट मे बी ज़ेनोगैमी. ठीक है, यू ऑल्सो नो द डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ देम. इन ऑटोगैमी इट इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ऑलराइट बेटे, जेटिनोगैमी इट इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. And it is functionally cross-pollination involving a pollinating agent. इसमें pollinating agent होता है जेटिनोगैमी में. But it is genetically similar to autogamy since the pollen grains it come from the same plant. All right? पर xenogamy क्या है? तो xenogamy it is the transfer of the pollen grains from anther to the stigma of a different plant. ठीक है, दूसरे plant जो है उसके stigma तक जो है pollen grains पहुंचते हैं एक plant के ऊपर लगे हुए flower में से. So, इसलिए जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स दे फाइनली रीचेस द स्टिग्मा. तो इनडायरेक्टली जो है आपसे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पूछा गया, आपने तीनों तरह की पॉलिनेशन जो उनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखने हैं यहाँ पर. एंड सी व्हाट इज गिवन इन द चॉइस अनदर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा आफ्टर इम्प्लांटेशन इन अ ह्यूमन फीमेल. ठीक बेटे, बिल्कुल कंसाइज तरीके से इसका आंसर देंगे. तो आपने प्लासेंटा के फॉर्मेशन के बारे में बताना है जब ह्यूमन फीमेल जो है उसके अंदर इम्प्लांटेशन हो जाए. ठीक है, तो वहां से आपने स्टार्ट करना है. आप बहुत बड़ा ना बनाएं इस क्वेश्चन को. आफ्टर इम्प्लांटेशन से आप स्टार्ट करें कि किस तरह से जो है उसके अंदर प्लासेंटा जो है उसका फॉर्मेशन होता है. तो आई एम गोइंग टू रीड द आंसर फॉर यू. ठीक है, द आंसर इज कम्प्लीट इन 4 लाइन्स. सी वॉट इज रिटन इन अ कंसाइज मैनर. आफ्टर इम्प्लांटेशन The trophoblast it forms finger-like projections called chorionic villi, surrounded by the uterine tissue and the maternal blood. This is point number one. Implantation के बाद trophoblast जो है वो finger-like projections जो हैं वो बनाती हैं जिनको chorionic villi कहा जाता है और इनके आसपास uterine tissue और maternal blood present होता है. What is second point? कि chorionic villi and the uterine tissue they get interdigitated with each other to form the placenta. ठीक है, दोनों ही क्रॉनिक विलाई और यूट्रिन टिश्यू जो है वो एक दूसरे के अंदर इंटर डिजिटेट होते हैं और ये क्या बनाते हैं, प्लासेंटा बनाते हैं. व्हाट इज पॉइंट नंबर 3, प्लासेंटा इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फॉर्म्ड बिटवीन द एम्ब्रियो और द फीटस एंड द मेटर्नल बॉडी. ठीक है, फीटस जो कि एम्ब्रियो होता है एक्चुअली और मेटर्नल बॉडी जो है उनके बीच में प्लासेंटा एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. And what is the fourth one? Placenta is connected to the embryo
by an umbilical cord, and it will transport substances to and fro from the embryo. ठीक है, प्लासेंटा जो है वो एम्ब्रियो के साथ कैसे कनेक्टेड है, अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से कनेक्टेड है, और इस तरह से प्लासेंटा जो है वो एम्ब्रियो की बॉडी के अंदर असेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेके भी जाती है, प्लस गैसेस जो है उनका भी एक्सचेंज करती है, और एम्ब्रियो की बॉडी में से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनका एलिमिनेशन भी करती है थ्रू द बॉडी ऑफ द मदर. तो इस तरह से एक बड़े आंसर को आप 4 पॉइंट्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक बेटे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14. ये आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में से है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ठीक, स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपने मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है उसका स्टेटमेंट लिखना है. देन व्हाट इज गिवन नेक्स्ट, हाउ डिड ही डिड्यूस द लॉ, कहते हैं कि उसने ये लॉ जो है वो कैसे बनाया, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल एग्जाम्पल. ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसा आप शो करें जिससे आप मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है उसको डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं. ठीक बेटे, तो सोचिए इसके अंदर हम जो है वो कौन सा एग्जाम्पल देंगे. देखो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस सब बच्चों को मालूम है कि इफ वी डन क्रॉस पॉलिनेशन अमंग टू ब्रीडिंग पेरेंट्स, देन व्हाट मेंडल सेड दैट इन द F1 जनरेशन द कैरेक्टर्स ऑफ दैट पेरेंट्स अपीयर इन द हाइब्रिड स्पीशीज और F1 हाइब्रिड who has the dominant characters and the recessive characters they remain hidden in the F1 offspring but they reappeared in the F2 generation. What is the characteristic ratio between the dominant and the recessive characters? So it is 3:1. ठीक बेटे, तो सिर्फ dominant character ही F1 के अंदर appear होते हैं और recessive character जो हैं वो hidden रहते हैं, ये Mendel ने कहा था. तो उसके बाद जो है आप इसके अंदर कोई भी एक ऐसा cross जो है उसको show करें जिसकी हेल्प से मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो डेमोस्ट्रेट होता है, तो यू हैव टू गिव एनी ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक बेटे, तो आप यहाँ पे कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो बता सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये आंसर लिखना होता तो मैं इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मैं सीड शेप ले सकती थी, तो कैपिटल आर फॉर राउंड सीड शेप एंड स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड सीड शेप. देन व्हाट इज द F1 हाइब्रिड, इट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड इसका फिनोटिपिक जो है वो अपीयरेंस कैसा होगा, तो कहते हैं कि दिस इज अगेन द राउंड सीड एंड इन द F2 जनरेशन आई हैव ऑल द 3 कैटेगरीज. ठीक है, तो उसमें मुझे वो कहते हैं कि होमोजाइगस जो है मुझे क्या मिल जाएंगे, राउंड भी मिलेंगे, हेटरोजाइगस राउंड भी मिलेंगे, और मुझे होमोजाइगस रिंकल्ड भी मिल जाएंगे. तो रेशियो जो है वो 1:2:1 होगी जीनोटिपिक रेशियो, एंड फिनोटिपिक रेशियो जो है वो यहाँ पर क्या होगी, 3:1 होगी. ठीक बेटे, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेंगे, और उसके बाद अगर आप टेस्ट क्रॉस जो है उसकी हेल्प से शो करना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो कि दोनों केसेस में जो है वो कैसे सिचुएशन जो है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि जो हमें 2 यहाँ पे मिले हैं वो होमोजाइगस हैं या हेटरोजाइगस हैं, तो उसके बारे में आप टेस्ट क्रॉस जो उसके जरिए शो करते हैं. वो मैंने आपको बताया था कि एक बार आप क्या करते हैं, होमोजाइगस जो डोमिनेंट पेरेंट है उसको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ उसकी मेटिंग करवा के ब्रीडिंग करवा के आप देखते हैं कि 100% जो है हमें मिलेंगे वहां पे हाइब्रिड्स. और अगर वो कहता है कि इंस्टेड ऑफ दैट होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट आप हेटरोजाइगस पेरेंट जो उसको लेते हैं तो 50% जो है आपको जो है यहाँ पे सिचुएशन मिलती है. ठीक, तो इस तरह से 50-50 दोनों मिलेंगे आपको, तो उस केस में आप पता लगा लेंगे कि आपका जो भी पेरेंट है वो एक होमोजाइगस पेरेंट है या फिर हेटरोजाइगस. ठीक बेटे, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे. उसके बाद देखिए ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये उस चैप्टर में से एवोल्यूशन में से, तो ये हमने नहीं किया अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 16. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद वाला जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें से लिया गया है. तो सी व्हाट इज द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर आयंस रिलीजिंग IUDs एज अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव एंड हाउ इज हार्मोन रिलीजिंग IUDs डिफरेंट फ्रॉम इट. हाँ जी बेटे, बताइए कि कॉपर रिलीजिंग IUDs जो है वो अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव हैं और वो हार्मोन रिलीजिंग IUDs जो है उनसे कैसे डिफर करते हैं. यस बेटे, स्पीक अप इफ यू नो द आंसर.
दोनों का मोड ऑफ एक्शन जो है ना वो डिफर करते हैं ना. यस एनी आइडिया? यस मैम. मैम दीस आर इंट्रायूटराइन डिवाइसेस. IUDs increase the phagocytosis of the sperms. Yes, copper copper ions को वो release करेंगे. ठीक बेटे, उसके आगे भी हमने copper ions release suppress sperm motility. Yes, sperm mortality and fertilizing capacity sperm की कम कर देते हैं. ठीक, और IUDs जो hormone releasing है उनके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे और वो कैसे action show करते हैं. ठीक बेटे, वो भी दिया हुआ है book के अंदर. तो उसमें प्रोजेस्टेरोन आ जाता है, LNG20 आ जाता है. तो ये क्या करते हैं, यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए. एंड सर्विक्स जो है उसी में जो स्पर्म्स है वो हॉस्टाइल बन के रह जाते हैं. ठीक है. इसके अलावा देखिए, इसका एक और पार्ट भी यहाँ पे दिया गया है आपका बी पार्ट. व्हाई इज हेली प्रिफर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव बाय वुमेन, एनी टू रीजन. तो इसका मतलब 1 मार्क हमें ऊपर मिलेगा एंड 2 मार्क हमें नीचे मिल रहे हैं. इस तरह से 3 मार्क क्वेश्चन बनेगा. तो आपने ये बताना है कि सहेली जो है वो विमेन्स के अंदर एक फेमस कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों है. ठीक है बेटे, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? सहेली, दीस पिल्स हैव कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू विद हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू विद लिटिल साइड इफेक्ट. इट एक्ट्स एज इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, इंपेयर्स सर्विक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स, मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. यस बेटे, एक पॉइंट ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप, कि इट इज अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन. ठीक है, नॉन स्टीरोइडल प्रिपरेशन है, यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. ओके बेटे, तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख लेंगे. मैं एक बार रीड कर रही हूँ. एक्शन ऑफ कॉपर रिलीजिंग IUDs. फर्स्ट पॉइंट, IUDs इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म. द कॉपर आयन सप्रेस मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म. और इन कंट्रास्ट टू कॉपर रिलीजिंग IUDs, व्हाट इज द हार्मोन रिलीजिंग IUDs, हाउ इट डन इज मोड ऑफ एक्शन. So it makes the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperm. And B part, Saheli is a non-steroidal preparation used as a oral contraceptive pills. It is a once a week pill with a very few side effects and high contraceptive value. This is the straightforward answer. ठीक बेटे, उसके बाद question number 18 हम नहीं करेंगे. ये strategies of food enhancement में से है. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. Why GMOs are called? List the different ways in which GMO plants have benefited and have become useful to humans. देखिए बेटे, पहले तो वो कहते हैं कि उन्हें GMOs क्यों बोला गया, उनको GMOs क्यों बोला गया. GMO वर्ड का मतलब यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. दैट हैव हैड द कैरेक्टरिस्टिक चेंज थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ द डीएनए, लाइक दैट दे हैड द मैनिपुलेटेड डीएनए और आरएनए. दीस आर यूज्ड फॉर द रिसर्चेस बाय द साइंटिस्ट. यस बेटे, अगर इसको एक लाइन में हमें आंसर लिखना होता तो हम लिखते कि दीस आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स. These may be plant, bacteria, fungi, animals whose genes are altered by manipulation. ठीक बेटे, आप उसने आपसे पूछा है कि इनकी advantages क्या है. Advantages of genetic modification in plants. तो so many advantages are given in your book. ठीक है, under various headings. तो I am going to read the answer for you. Advantage number 1. It makes crop more tolerant to abiotic stresses. Like cold, drought, salt, heat, etc. ठीक, point number 2 अगर हमने लिखना होता तो most of the GM plants have developed for pest resistance, which increases the crop productivity and therefore reduces the reliance on chemical pesticides. ठीक बेटे, point number 3, it helps to reduce post-harvesting loss of crops. And point number 4, it increases efficiency of mineral usage by plants and this prevent early exhaustion of fertility of soil. And point number 5, it enhances nutritional value of the food. Aur isme aap example de denge golden rice ka. This is known as biofortification and golden rice is a transgenic variety in rice which is rich in vitamin E. Then GM is also used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industries
इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस फ्यूल्स फार्मास्यूटिकल्स. ठीक है, इस तरह से कहते हैं कि काफी सारे टेलर मेड प्लांट्स जो हैं वो बनाए हुए हैं जो कि इंडस्ट्रीज के लिए अल्टरनेटिव रिसोर्सेज जो हैं उनको सप्लाई करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम स्टार्च बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में, फ्यूल्स तैयार कर सकते हैं जिन्हें बायोफ्यूल्स के नेम से जानते हैं, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स जो हैं इन प्लांट्स से हम आइसोलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये 4 to 5 एडवांटेजेस हैं. मैं आंसर की आपको क्लिक करके भेज दूंगी, उसमें से आप इन आंसर को फॉलो करेंगे और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे. ओके बेटे, 2. ओके, सी द नेक्स्ट वन, डिफरेंशिएट बिटवीन पायोनियर स्पीशीज. ये इकोसिस्टम वाले चैप्टर में से है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. उसके नीचे देखिए क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 वेज अदर देन जूलॉजिकल पार्क्स, बोटैनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारीज बाय विच थ्रेटन्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बीइंग कंजर्व्ड एक्सिटो. कहते हैं कि एक्सिटो कंजर्वेशन जो है बायोडाइवर्सिटी का, उसमें ये सारी टेक्निक्स तो आती हैं, जूलॉजिकल पार्क बनाना, बॉटनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारीज, पर इनके अलावा वो कौन से 3 ऐसे मेथड हो सकते हैं जिससे कि हम थ्रेटन्ड स्पीशीज जो है उनको कंजर्व कर सकते हैं. यस बेटे, फर्स्ट वन इज सीड बैंक. अ सीड बैंक इज अ टाइप ऑफ जीन बैंक वेयर सीड्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एंड स्पीशीज आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज. यस, एंड सेकंड इज क्रायो पर cryo preservation in which preservation at -196 degrees Celsius in liquid nitrogen. Yes, can maintain tissue and animal cells. Yes, but there is one third method, animal translocation. So it involves the release of the animals in a new locality. ठीक है, तो इसमें वो कहते हैं कि एनिमल जो है इसको एक न्यू लोकेलिटी जो है वहां पे ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है. तो उसमें उसने बताया हुआ है कि दिस मेथड कैन ओनली बी डन when a species is endemic or restricted to a particular area, species on which an animal is dependent becomes rare due to habitat destruction or unfavorable conditions or increase in population in an area. ठीक है, तो जहाँ पे population काफी ज्यादा है वहां से उस particular species को निकाल के किसी ऐसे area में shift कर दें जहाँ population कम है, या फिर वो कहता है कि अगर वो endemic species है तब उसको वहां से remove करके किसी दूसरे area में पहुंचाया जा सकता है. ठीक बेटे, habitat destruction का केस है या unfavorable conditions है उसमें. ठीक, तो सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड एनिमल ट्रांसलोकेशन, दीज आर द 3 मेथड्स. ओके बेटे, तो यहीं से हम कल कंटिन्यू करेंगे इस सैंपल पेपर को करने के बाद. उससे पिछले ईयर का सैंपल पेपर हम लेंगे. ठीक, तो कुछ सैंपल पेपर्स रिवाइज करने से आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन आ सकते हैं. देन आई हैव सम ऑफ द अदर सैंपल पेपर्स दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यू